हे दोस्तों नमस्कार, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपने इस चैनल पर जो भी आपके गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट्स होते हैं वो मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कराता हूँ। इसके अलावा दोस्तों आपके जो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड प्रॉपर तैयारी है वो मैं आपको अनअकैडमी पर करवाता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा अनअकैडमी का, और रोज़ रात को 9 बजे एक लाइव टेस्ट भी आपको कंडक्ट कराता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो रोज़ रात को 9 बजे आप आकर के उस लाइव टेस्ट को दे सकते हैं। वहाँ पर आपको हर तरह के सब्जेक्ट्स का पूरा समावेश मिलेगा, यानी कि एक फुल लेंथ टेस्ट होता है। रीजनिंग, GKGS, मैथमेटिक्स, करंट अफेयर, सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्विज टाइप का होता है। अगर आप वहाँ पर आके एक घंटे का, आधे घंटे का टेस्ट देते हैं तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है आपके हर तरह के एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर जो अपडेट आई है UP SSC की तरफ से, और इस अपडेट के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आपके जो बहुत सारे सवाल हैं वीडियो रिजल्ट को लेकर के, मंडी परिषद को लेकर के, और लोअर पीसेस को लेकर, सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं 5 मार्च की अपडेट है। उत्तर प्रदेश हरियाणा सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 27/6/2016 द्वारा विज्ञापित सम्मिलित आशुलिपिक सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2016 के अंतर्गत 352 पदों के लिए जो सूचना है वो ये है। तो बेसिकली यहाँ पर सूचना ये है कि जो आपका एग्जाम है वो आपका 10 मार्च को 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक आयोजित की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 10 AM से लेकर के 11 AM तक ये 10 मार्च को आयोजित की जाएगी। और अभ्यर्थी जो है अपना जो प्रवेश पत्र है वो 5 मार्च के बाद से आयोग की वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो जिनको डाउनलोड करना है ये रिजल्ट, मैं आपको बता देता चाहूँ कि उनकी वेबसाइट पर आप जाएंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर की ओर आप यहाँ देख सकते हैं, क्लिक हियर टू डाउनलोड क्वेश्चन, आपको दिखाता हूँ, क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर द एग्जाम शेड्यूल्स ऑन 10/3/2019। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल के आएगा। तो बहुत पुरानी वैकेंसी है तो काफ़ी सारे लोग मे बी अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है भूल चुके होंगे इसका। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल के आएगा। यहाँ पर आप कैंडिडेट नाम, अपने पिता का नाम, अपने डेट ऑफ बर्थ और मंथ और ईयर और वेरीफिकेशन कोड डाल करके यहाँ पर जब आप सर्च करेंगे तो अभी तक आपने जितने भी UP SSC एग्जाम्स हैं, जितने भी आपने एग्जाम्स के लिए आपने क्या बोलते हैं अप्लाई किया होगा, सारे के सारे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएंगे। और आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं जिससे आप लोग, आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो, आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर अपना ढूंढ सकते हैं। सो गाइस, अगर आपने आपको डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके बारे में कि अब आगे क्या होगा। आगे सबके सवाल बार बार आते हैं, रोज़ मेरे पास 10 से 12 कमेंट आता है और व्हाट्सएप पर भी मैसेज आता है। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैसेज आता है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप सीधे हमसे कॉन्टैक्ट हो सकते हैं। वहाँ पर सवाल आता है कि सर UP SSC वीडियो का रिजल्ट कब तक आएगा, और क्या बोलते हैं मंडी परिषद की तैयारी कर रहा हूँ सर, इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए, मैंने आपको जैसे बताया था कि UP SSC जो है इस समय हर हफ्ते कोई ना कोई रिजल्ट या कोई ना कोई आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा ही रहा है। और इसी क्रम में देखिए आज एक ये आशुलिपि की आ गई है। अब देखिए बात आती है कि अब किसका एग्जामिनेशन हो सकता है। तो अभी देखिए JEE का एग्जामिनेशन बाकी पड़ा है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं मंडी परिषद के बारे में, मंडी परिषद का एग्जामिनेशन बाकी पड़ा है। तो अब देखिए जो चांस है इन्हीं दोनों में से किसी एक का चांस है, या तो JEE का या तो मंडी परिषद का। तो पूरे ज़्यादातर चांस JEE के लग रहे हैं, उसके बाद मंडी परिषद का लग रहा है। तो ये समझ लो कि आप लोग बिल्कुल तैयारी में लग जाओ, अगले हफ्ते तक मार्च के सेकंड वीक तक कोई ना कोई और आपको अपडेट मिल जाएगी। यानी कि मार्च के सेकंड वीक तक आपको या तो JEE का एडमिट कार्ड का डिटेल या तो मंडी परिषद के एडमिट कार्ड के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और आपके मार्च के थर्ड वीक में इन दोनों में से कोई ना कोई एग्जाम होने वाला है। ये आप बिल्कुल आप लोग तैयारी में लगे रहो, तैयारी करते रहो। आपको तैयारी कैसे करनी है, मेरे चैनल पर रोज आपको एक लाइव टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है जहां पर आपको नॉन टेक्निकल की जो तैयारी, चाहे मंडी परिषद की हो, चाहे JEE की हो, चाहे लोअर PCS की हो, उससे रिलेटेड मैं आपको रोज रात को 9 बजे एक अपडेट देता हूं, एक लाइव टेस्ट करवाता हूं, लाइव क्विज कराता हूं। तो वहां पर आप जुड़ करके आप लाइव टेस्ट को दे देंगे। वहां पर जो भी क्वेश्चन होते हैं आपके इन्हीं एग्जाम्स के लिए सिलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, तो वहां पर आप जुड़ करके उन सारे टेस्ट को दीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डिटेल में तैयारी करना चाहते हैं, अभी आपके पास टाइम कम है, तो मैंने क्रैश कोर्सेज अनअकैडमी पर लॉन्च कर रखे हैं। अनअकैडमी पर जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं। वहां पर आपको सभी तरह के जितने भी एग्जाम्स हैं, जितने भी आपके कोर्सेज हैं, वहां पर देखने को मिल जाएंगे, स्पेशली फॉर UP SSC। और वहां पर SSC के एस्पिरेंट्स के लिए भी मैथ की वीडियो और मंडी परिषद के लिए भी मैथ की वीडियो और रीजनिंग की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, तो आप जाकर के वहां चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों वीडियो के रिजल्ट के बारे में। तो वीडियो के रिजल्ट के बारे में ये समझ लो कि वीडियो का रिजल्ट भी जल्दी ही आपके सबके सामने होगा। आप लोग वेट मतलब करते रहिए, तैयारी करते रहिए, और इतना टेंशन मत लो यार। मतलब बार बार एक ही कॉमेंट से मैं पक
गया हूँ, रोज़ कमेंट आता है रिजल्ट कब आए कब आएगा, आ जाएगा, अब टेंशन मतलब मत लो, आ जाएगा। और जैसे ही आएगा, ये हमारा चैनल है डियर गुरुजी, इस चैनल पर आपको जो अपडेट है वो आपको मिल जाएगा डियर गुरुजी चैनल पर। कट ऑफ के बारे में सब लोग पूछते रहते हैं, कट ऑफ भी मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कट ऑफ कितना जा सकता है। ये समझ लो कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 190 के आसपास कट ऑफ जाने की उम्मीद है, उसके अलावा इसी में 10-10 नंबर कम करते चले आइए, तो 190 नंबर के से कम वाले जनरल, 180 से 190 वाले के जो बीच में है वो जनरल वाले अपने उम्मीद रखें। इसी तरह OBC का भी है, तो यहाँ तक आप लोग उम्मीद रख सकते हैं। इसके अलावा अपना जो आपका ये चैनल है डीए गुरुजी, आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स के माध्यम से जो भी अपडेट आती रहती है वो आपको प्रोवाइड करवाता रहेगा, और हमेशा करवाता आ रहा है और करवाता आपको रहेगा। तो गाइस आप लोग चैनल से बस जुड़े रहे, चैनल को करना क्या है सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा लोगों को पता चल सके और फालतू के चक्करों में ना पड़े। अपनी तैयारी पर ध्यान दो, आपके लिए आपके सामने मंडी परिषद है, लोअर PCS है, और अभी लेखपाल की वैकेंसी जो है आने वाली है। इसके बाद ये समझ लो कि अब जो भी वैकेंसी आई है आएगी, वो लिख के मैं दे रहा हूँ कि चाहे इस महीने के अंत तक ही वो वैकेंसी आए, वो लेकिन लेखपाल की ही वैकेंसी होगी। तो लेखपाल के लिए बिल्कुल आप लोग तैयार हो, और जो तैयारी है वो आपको हमारे चैनल पर तैयारी लगातार करवाई ही जा रही है। अगर आपके अभी भी कोई डाउट बसते हैं तो बार बार आप कमेंट करके पूछिए, या आप लोग कहीं भी करके पूछिए तो आपको यही जवाब मिलने वाला है, तो फालतू में इधर उधर चक्कर में मत पड़िए। सो गाइस आपको एक छोटी सी जानकारी देनी थी, आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, गाली देने वाले तो गाली देते ही रहेंगे, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा जो काम है वो तो मैं आपको करता रहूँगा। कुछ लोग कमेंट करते हैं बार बार, कहते हैं कि जाके अपना काम कर लो, भाई अपना काम ही कर रहा हूँ, और दिस इज़ नॉट अ जोक, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। कभी आप लोग को लगता है बहुत आसान होता है YouTube चैनल बनाना, वहाँ पर पढ़ाना, वहाँ पर लाइव टेस्ट कंडक्ट करवाना, एक बार आप करवा करके देखो, आप आकर के देखो, 1.5 लाख बंदों को ऐड करवा के देखो, 1.5 लाख से ऊपर बंदों को जोड़ करके देखो, फिर आपको पता चलेगा कि कितना प्रेशर होता है एक बंदे के ऊपर, और छोटा मोटा काम नहीं होता है। तो बार बार अगर आप लोग कमेंट करके आप सोचते हो मेरा मोरल डाउन हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपके कमेंट्स को मैं ऐसे, जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं उनके कमेंट को मैं ऐसे इग्नोर कर देता हूं जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं हो। तो आप लोग ऐसे कमेंट करते रहो, मेरे पास एक ऑप्शन रहता है कमेंट को डिलीट करने का, तो मैं डिलीट कर देता हूं। वही होता है ना कि भोगते रहते हैं और मैं चला जाता हूँ, उससे कोई मेरे को टेंशन नहीं होता है, समझ गए। तो आई होप आपको जो चीज़ें हैं समझ में आ रही होंगी, और जो लोग सिंसियर होंगे वो लोग बातों को समझेंगे, वो लोग लगे रहेंगे तैयारी में, और लोग जो हम वीडियो बनाते हैं डिटेल में पढ़ाते हैं वो लोग उसको पढ़ते रहेंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ, ज़्यादा चीज़ें बोल देता हूँ उसके नहीं बोलूँगा। तो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं सबसे नेक्स्ट वीडियो में।